राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कान्हू जी का झूला बनाने वाले हैं जन्माष्टमी के लिए। तो हम इसमें इसके लिए कार्डबोर्ड ले लेंगे। हम कार्डबोर्ड से ही पूरा झूला बनाएंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया है, उसको पीसेस कट कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको झूला बनाना है वैसा साइज कर सकते हो। पे कार्डबोर्ड को हमने राउंड राउंड कर लिया है और उसको एक पोल की तरह बना लिए हैं। ऐसे ही मैं सारे छोटे बड़े साइज में बना लूँगी। अगर आपका कार्डबोर्ड हार्ड है और वो नहीं फोल्ड हो रहा है तो आप उसके ऊपर की एक शीट जो होती है, जैसे मैंने रिमूव किया है वैसे रिमूव करके उसे फोल्ड कर सकते हो। वो बहुत ही ईजीली फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे और सारे बना लिए हैं, चार छोटे साइज़ के, चार बड़े साइज़ के बनाए हैं। बड़े साइज़ के जो हैं वो थोड़े मोटे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना हैंडमेड शीट ले ली है, ये मेरे पास रखी थी तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ। आप इसकी जगह कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी जगह कपड़ा हो, कोई भी गोल्डन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, कोई भी फेस्टिवल वाइब वाला कपड़ा हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उस शीट को पेपर के अकॉर्डिंग नाप लिया है, कट कर लिया है और उसे फेविकॉल की सहायता से चिपका लूँगी। अब मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया है, एक मैंने थोड़ा पतला लिया है और एक थोड़ा लेंथ में चौड़ा लिया है और उसको एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। क्योंकि मुझे ये सीढ़ी टाइप में चाहिए था, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा और नीचे का हिस्सा बड़ा मजबूती के लिए, और इसके ऊपर मैं शीट चिपका रही हूँ। ये मैं ख़रीद के लाई थी, आपने देखा होगा मेरी और वीडियोज़ में। इसके ऊपर जो फूल वाला पैटर्न है ना वो यूज़ करेंगे, बाकी हम कट करके निकाल देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे चिपकाने के लिए मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी हॉट ग्लू हो, फेविकॉल हो, बहुत ही ईजीली चिपक जाता है। अब हमने जो राउंड शेप करके बनाए थे पोल, अब उनको एक एक करके चिपका देंगे चारों तरफ। यहाँ मैं मोटे वाले यूज़ कर रही हूँ ताकि नीचे से बेस मजबूत रहे। ऐसे ही छोटे वाले मैं बीच में लगा रही हूँ। अब जो मैंने सोचा था वैसा तो बन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो मैंने जो छोटे वाले बनाए थे उसमें ही दो पीस कट करके उन्हें और छोटा कर लिया है और उसे हम जो हमने बीच में पोल लगाया था उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ मैं मोती लगा रही हूँ क्योंकि हमें इसे थोड़ा टेढ़ा लगाना है, तो बीच में जो गैप होगा वो गैप कवर हो जाएगा। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का पाइप ले लिया है क्योंकि मुझे जिसमें झूला लटकाना था वो थोड़ा मजबूत चाहिए था। तो आप इसकी जगह कोई लकड़ी हो आपके पास राउंड शेप की, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने शीट लगा दी है। आप लोगों को मेरी बातें ना समझ आए ना तो वीडियो को देख के प्लीज़ समझ लीजिए। यहाँ मैंने दो और कार्डबोर्ड लिए हैं, एक के ऊपर एक चिपका रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें हार्ड करना है। ये हमारा वो पार्ट होगा जिस पर कान्हू जी बैठेंगे। टेप की मदद से मैं इसके जो साइड पार्ट हैं उन्हें कवर कर रही हूँ और उन दोनों को आपस में चिपका रही हूँ जिससे वो अच्छे से मजबूत हो जाएं। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं, मास्किंग टेप, सेलो टेप, जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ मैं दूसरे कार्डबोर्ड पे शेप बना रही हूँ, सिंहासन के टाइप की शेप है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसे ट्रेस करके मैं कट कर लूँगी। इसे भी हार्ड करने के लिए इसके पीछे हम कार्डबोर्ड चिपका देंगे। यहाँ मैं फेविकॉल की मदद से इसे चिपका रही हूँ।
जिसके ऊपर भी हम हैंडमेड शीट चिपका देंगे। शीट के कुछ पार्ट हमने अलग कर लिए हैं कट करके, जो डिज़ाइनिंग है उनको मैं इनके ऊपर चिपका रही हूँ ताकि अच्छा लुक दे। अगर आप रेड कलर येलो कलर का यूज़ करोगे ना इसको बनाने में, तो बहुत ही प्यारा और बहुत निखर के आएगा आपका झूला। यहाँ मेरे पास एक लेस थी तो मैं उसको चिपका रही हूँ, ये मोती वाली लेस थी। ऐसा नहीं है कि आपके को कुछ खरीदने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास जो हो वो आप उससे झूला बना सकते हैं बहुत ईजीली। यहाँ मैं एक और लेस का यूज़ कर रही हूँ, ये 2-3 रुपये मीटर आती है, गोल्डन कलर की है, ये सिल्वर कलर में भी आती है, बहुत इजीली शॉप पे मिल जाती है। मैं इसको चारों तरफ चिपका लूँगी, मैं फेविकॉल की मदद से चिपका रही हूँ। अब इन दोनों पार्ट को हम एक दूसरे से चिपका देंगे। मैं यहाँ हार्ड ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये फेविकॉल का वुड वाला ग्लू है, बहुत ही हार्ड है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। यहाँ मैंने एक पेपर ले लिया है और इस पेपर पे मैं कट कर लूँगी पतली पतली स्ट्रिप्स में, जैसे आप देख रहे हैं। इन स्ट्रिप्स के हम पेपर रोल बना के घंटियाँ टाइप में बनाएंगे। आपने देखा होगा पोल के ऊपर काफ़ी डिज़ाइनिंग वो गोल गोल बने होते हैं, उस टाइप का हम कुछ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पेपर को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने वुडन स्टिक ली है, आप इसकी जगह पेन के अंदर की रिफिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप वीडियो में देख लीजिए। गोल गोल करते जाना है और पेपर को आगे से पकड़ लेना। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। पेपर रोल बनाना बहुत ईजी है। इस पेपर रोल को हम प्लेन चपटा कर लेंगे, बिल्कुल चिपका देंगे, पिचका देंगे दोनों तरफ से, और इसको रोल करना चालू कर देंगे। रोल करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ से पुश करेंगे, हल्के हल्के पुश करना है, ज़्यादा हार्ड पुश नहीं करना वरना वो पूरा बाहर निकल जाएगा। देखेंगे आप एक हो बन के तैयार हो जाएगा, उसके अंदर ग्लू लगा देना ताकि वो भागे ना। बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं गोल्डन पेंट यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बनाए हैं और उन्हें गोल्डन पेंट कर लिया है। इसके बाद अब इसको चिपकाने की बारी आती है। ये देखिए अब मैं इन्हें कहाँ कहाँ चिपकाती हूँ। जो हमने रोल बनाए थे उसके ऊपर का पार्ट ओपन है, वो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। चारों तरफ मैंने चिपका दिया है और ऊपर की तरफ हमने जो पाइप का बनाया था उसको चिपका देंगे। इसके ऊपर मैं दो मोती लगा रही हूँ रेड कलर के बड़े बड़े। आप की जगह पेपर रोल को रोल करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मोती भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टिक लगा रही हूँ जो हमने पेपर की बनाई हुई थी। और जो जो पार्ट मैंने बनाया ना, मैंने कुछ कुछ पार्ट में ना मुझे जहाँ जहाँ लगा डेकोरेशन करनी चाहिए थी मैंने वहाँ कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने लेस का यूज़ किया है, एक पुरानी चेन पड़ी थी उसमें मैंने लेस बांध दी है, अब उसको हम चिपका लेंगे। यहाँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसको हैंग कर लेंगे, झूला हैंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, और लेस को बांधेंगे अच्छे से और नीचे की तरफ से चिपका देंगे। देखना आप मेरी वीडियो में मैंने हॉट ग्लू का यूज़ किया है इसको चिपकाने के लिए। बस हमारा झूला रेडी हो गया है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह मेरे घर में थी उनसे मैंने इधर उधर उनको डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ पे एक लटकन था मेरे पास, उसको मैं झूले की रस्सी बना रही हूँ, तो हॉट ग्लू की मदद से आराम से चिपका देंगे। और देखिए इसका फाइनल लुक। हमारे पास दो कानू जी हैं, एक छोटे एक बड़े, और मेरे झूले में दोनों ही आ गए हैं। दोनों एक साथ भी आ गए और दोनों अलग अलग भी आ गए। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग झूला बनाइए और देखिए बहुत ही प्यारा बना है।
आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।